नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू देराज जिला युवा प्रभारी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी रोहतक से बिलोंग करता हूँ। मैं कबीर समाज से बिलोंग करता हूँ। आज मैंने यूट्यूब पे और फेसबुक पे देखा कि प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर राजकुमार सैनी जी के बारे में बहुत सी गलत बातें बोल रहे हैं। उन्होंने एक नंगड़ शब्द का प्रयोग किया है। एक्चुअल में उनको ये नहीं पता कि नंगड़ एक्चुअल में होता कौन है। एक्चुअल में देखा जाए तो जो है नंगड़ एक्चुअल में खुद प्रदेश अध्यक्ष लोग ये अपना अशोक तंवर जी हैं, क्योंकि इनको इनको शायद नहीं पता नंगड़ होता क्या है। नंगड़ एक्चुअल में होता है जिसके पास कुछ भी ना हो। राजकुमार सैनी जी के पास आज भी 10,000 युवाओं को उन्होंने रोजगार दे रखा है। और इन इनसे पूछा जाए कि इनकी 10 साल तक सरकार रही, इन नंगड़ों ने किस किस को रोजगार दिया। हमारे सैनी साहब ने तो अभी भी 10,000 लोगों को रोजगार दे रखा है। नंगड़ तो एक्चुअल में ये है, इनकी आदत हो रही है भीख मंगे जैसी। ये वो गली के कुत्ते होते हैं ना, भोंकते हुए, जब हाथी जाता है और पीछे से कुत्ते भोंकते हैं, ये वो कुत्ते हैं। अब इनके हालात कुछ ऐसे हो गए हैं राजकुमार सैनी जी की रैली को देखने के बाद कि इनसे रुका नहीं जाएगा, क्योंकि हाथी मस्त चल रहा है और उसके पीछे कुत्ते भोंकेंगे तो जरूर। अब वो क्रिया इनके साथ बन चुकी है। मैं सारे भाइयों से निवेदन कर रहा हूँ कि जितने भी जो समाज बिलोंग कर रहा है किसी से भी, किसी अदर पार्टी से, आपको एक सुनहरा मौका मिल रहा है। राजकुमार सैनी जी एक SC BC के नेता हैं जो पहली बार पूरे हरियाणा की 70 साल की आज़ादी के बाद, 70 साल आज़ाद हो गए देश को, आज भी एक विशेष जाति का आपको पता है राज है। अभी 5 साल पहले अभी अपने क्या नाम है खट्टर साहब का भी राज आया, उनने भी अपने आप ही बोल दिया कि मैं तो स्पेशल हितेशी हूँ भी आप लोगों का। हमारा कोई हितेशी नहीं है, हमारा हितेशी सिर्फ एक राजकुमार सैनी जी हैं। और मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूँ, आप राजकुमार सैनी जी का साथ दें, ना कि किसी अदर बंदे का साथ दें। आपके लिए कट मर सकता है केवल राजकुमार सैनी, और कोई नहीं कट मर सकता। ये आज मेरी वीडियो बनाने का कारण सिर्फ ये था, ये प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को बताना चाहता कि जितनी भी मेरी धानक बिरादरी कबीर समाज जितना भी है मेरा, पूरे हरियाणा में आज से कांग्रेस पार्टी का पूर्ण तरह से बहिष्कार कर रहा है। कभी भी भूल के भी राजकुमार सैनी के बारे में आगे से इस प्रकार की कोई टिप्पणी कोई भी नेता करेगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी व्यक्ति करता है, कोई भी पार्टी का नेता करता है, तो हम अपने SC BC के नेता को नेता के बारे में गलत नहीं सुनेंगे। उसके जिम्मेवार वह खुद होगा, चाहे उसके साथ वो कुछ भी हो उस टाइम पे। हम फिर दोबारा से निवेदन कर रहे हैं प्रदेश अध्यक्ष जी को कि ये प्रिंस का पप्पू मत बने। आपके प्रिंस जी भी बहुत कुछ कुछ बोल जाते हैं, उनको नहीं पता कि मैं क्या क्या बोल जाता हूँ। और यही बचपना आप में आ गया है, आप प्रिंस के पप्पू हैं। और इस पप्पू ढंग से रहेगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो जिस प्रकार उदय खेमे के लोगों ने आपके साथ किया था ना, उन्होंने तो आपको बख्श दिया था। और ये SC BC समाज जो हमारे दलित एवं पिछड़ा वर्ग समाज है, ये आपको नहीं बख्शेगा किसी प्रकार भी। और आपसे बार बार ये हिदायत दे रहे हैं हम आपको, आप इसको एक तरह की खुली चेतावनी माने। आगे से इस प्रकार की कोई गलती आप करते हैं या और कोई भी करता है तो उसके लिए जिम्मेवार वह स्वयं होगा। धन्यवाद। जय भीम।